वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी एंड टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है और इसके कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो फिजिबिलिटी स्टडी जो है हमारा ISTLC जो मॉडल है उसका सेकेंड फेज है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी को कवर करने वाले। इससे पहले दोस्तों, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन में काफ़ी वीडियोज हम बना चुके हैं, उन सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, साथ ही आई बटन में भी मिल जाएगी। तो चलिए इसे देख लेते हैं। ए द नेम सजेस्ट फिजिबिलिटी स्टडी इज ए स्टडी टू रिवील वेदर ए प्रोजेक्ट इज फिजिबल आर नॉट। यानी कि जैसा कि फिजिबिलिटी स्टडी के इसके नाम से कुछ सजेस्ट में हो रहा है, इनकी फिजिबिलिटी स्टडी एक प्रकार की ऐसी स्टडी है जिसमें हम ये रिवील करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, यानी कि जो भी हमने अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की है यूजर से, मान लीजिए कोई यूजर हमारे पास आया है कोई प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, ठीक है, तो उसने जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दिए, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद क्या हम उस प्रोजेक्ट को बनाने पे हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, वो फिजिबल है या नहीं ये चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, इट इज कंडक्टेड इन आर्डर टू फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसलिए फिजिबिलिटी स्टडी को इसलिए हम एनालाइज करते हैं जिससे कि हम कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल पाएँ, जिससे कि डू वी हैव रिक्वायर्ड रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। यानी कि क्या हमारे पास जरूरी रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम प्रोजेक्ट को बना पाएँ, एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन। दूसरा है, डू वी रिसीव प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, क्या हम प्रोजेक्ट से प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इट टेल्स अस वेदर ए प्रोजेक्ट इज वर्थ द इन्वेस्टमेंट। यह हमें यह भी बताता है कि जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं क्या वो प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने लायक है, यानी कि क्या उससे हमें प्रॉफिट हो पाएगा अगर उस पर इन्वेस्ट वगैरह करें, इन्वेस्ट वगैरह यानी कि उस पर हम अपनी मेहनत वगैरह करें, क्या उसका हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है। ठीक है, After the feasibility study, the project may be accepted with modification or rejected. ठीक है, तो feasibility study के बाद जरूर नहीं कि direct हमारा project जो है वो accept ही कर लिया, उसे reject भी कर दिया जाएगा या उसमें कुछ changes करके उसे accept कर लिया जाएगा। मान लीजिए यूजर है, वो चाहता है कि पाइथन पे कोई प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, बट हमें पाइथन नहीं आती, हम कहते हैं कि हम जावा में बनाएंगे, ठीक है, तो अगर उसने हाँ कर दिया तो हम उसके प्रोजेक्ट को बना देंगे, तो मॉडिफिकेशन के साथ उसे हम बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें फिजिबिलिटी स्टडी में इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर ब्रीफ में कहें तो यानी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने इसके जो पहला केस है रिक्वायरमेंट गैदरिंग में की थी, उसके बाद अब हम अपने पास टूल और टेक्निक देखते हैं कि हमें फ़ायदा होने वाला है, तब हम उस प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी, सेकंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी। तो पहला देखते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है, इन टेक्निकल फिजिबिलिटी वी चेक वेदर वी हैव रिक्वायर्ड टेक्निकल रिसोर्स लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डेवलप द प्रोजेक्ट। यानी कि टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी में हम यह चेक करते हैं क्या हमारे पास टेक्निकल रिसोर्स अवेलेबल हैं या नहीं, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम एक प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद इसमें हम देखते हैं दिस फिजिबिलिटी स्टडी आल्सो एनालाइज टेक्निकल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ टेक्निकल टीम, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड आर नॉट, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन इज ईजी आर नॉट फॉर चूजन टेक्नोलॉजी ETC। यानी कि इस फिजिबिलिटी स्टडी में, यानी कि टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी में हम यह भी चेक करते हैं कि हमारे पास जो टीम है या जो मेंबर वगैरह हैं डेवलपर, क्या वो टेक्निकली कैपेबिलिटीज रखते हैं उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की। ठीक है, ये भी हम इसमें चेक करते हैं। इसके बाद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, क्या उसके द्वारा हम उसे बना पाएंगे या नहीं। ठीक है, अगर हमने उसे बना भी दिया तो क्या फ्यूचर में उसको अपग्रेड वगैरह कर पाएंगे, तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन को ईजिली से इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट इसका टाइप्स है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, जो कि सेकंड था हमारा। इन इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एनालाइज। यानी कि जो इकोनॉमिक यानी कि मनी पावर से संबंधित इसमें स्टडी की जाती है, क्या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकली बेनिफिट है या नहीं।
ठीक है, यानी कि अगर हम उस प्रोजेक्ट को बनाएं क्या हमें उससे प्रॉफिट वगैरह मिल पाएगा, नहीं तो पैसों से संबंधित इसमें मान लीजिए लेखा जोखा है जानकारी इकट्ठी की जाती है, इधर की जाती है, ठीक है। इन द फिजिबिलिटी स्टडी ए डिटेल एनालिसिस इज कैरीड आउट टू नो व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस वाली फिजिबिलिटी यानी कि इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है जो हम बनाने वाले हैं उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे रिसोर्सों की आवश्यकता होगी, ठीक। तो उसे हम अगर हमारे पास नहीं है तो उन्हें हम बाय करेंगे, उसके बाद क्या हमारा प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे उसमें फिर भी हमें कोई बेनिफिट हो पाएगा, अगर हो पाएगा तभी हम उसे बनाएंगे, ठीक, अन्यथा नहीं बनाएंगे, ठीक है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड सो ऑन, इसके बाद जो हमारे डेवलपर्स वगैरह उन्हें भी हमें पे करना होगा, तो सबको मेंटेन करने के बाद अगर हमें प्रॉफिट देगा तभी हम उसे बनाएंगे, ये भी हम चेक कर लेते हैं इसी में, ठीक है। इट इज़ आल्सो एनालाइज वेदर प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट, और इसमें ये भी देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि कहीं ना कहीं देखने तो बेनिफिट की ही बात होती है, यानी कि हमें उससे बेनिफिट हो पाएगा या नहीं, ठीक है। तो यही हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा लीगल फिजिबिलिटी, इन लीगल फिजिबिलिटी स्टडी वी इन्वेस्टिगेट वेदर द प्रोजेक्ट इज लीगल आर नॉट, और इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी नियम कानून जो हैं हमारे, ठीक है, तो उसके आधार पर क्या हमारा सॉफ्टवेयर है या प्रोजेक्ट वगैरह है वो हमारा लीगल है या नहीं, ठीक है। जितने भी नियम कानून हमारे बनाए गए हैं उन पे अगर आधारित है तभी हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसे हम रिजेक्ट कर देंगे, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा है हमारा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इसमें क्या है, इन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी बी एग्जामाइन फाइदर द प्रोजेक्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेजेस, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज जो कि हमारा पहला था, ठीक है, एचडीएलसी मॉडल में हमारा पहला जो था उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसमें इन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी, यानी कि इसमें हम उसमें डिजाइन करते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं आगे की प्रोसेस में, ठीक है। तो हम यही चेक करते हैं उसमें बी एग्जामाइन वेदर द प्रोजेक्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड, यानी कि क्या वो हमारी सभी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है जो हमने एनालिसिस की थी, ठीक, ऑपरेशन के टाइम पर। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम यही चेक कर लेते हैं ऑपरेशन फिजिबिलिटी स्टडी में, ठीक है। तो यानी कि जो रिक्वायरमेंट के फेज में हमने जो जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर की थी उसी को इसमें हम एग्जामाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी, इसमें क्या है, इन शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी स्टडी बी एस्टिमेट द टाइम नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि इसमें हम उसमें श्योर कराते हैं कि एक निश्चित टाइम पर इस समय तक हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उसका हम टाइम पहले से ही बता देते हैं उसमें। वी आल्सो कंसीडर द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज एंड डिटरमाइन वेदर द अमाउंट ऑफ टाइम इज अवेलेबल आर नॉट, और हम इसमें पहले से ही बता देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि हमें इस तारीख को चाहिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाती तो ये भी हम बता देते हैं भाई इस समय तक आपका ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है, या इस टाइम तक बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें एक टाइम हम निश्चित कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ इसकी इम्पोर्टेंस है तो उसे देख लेते हैं। गेट ए क्लियर कट आइडिया ऑफ वेदर द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल बिफोर एलोकेटिंग बजट ह्यूमन पावर एंड टाइम, ठीक है। तो इससे हमें यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी को करने के बाद या स्टडी का अध्ययन करने के बाद हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि या हम प्रोजेक्ट को बनाएं, और प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्या इसमें हमारा क्या बजट आएगा, कितनी मैन पावर खर्च होगी, ठीक है, कितने टाइम जी हमारा बनने मिलेगा, कितना हमें बेनिफिट होगा, इस सभी प्रकार की जानकारी हमें इसी फिजिबिलिटी स्टडी के द्वारा मिल जाती है, ठीक है। इम्प्रूव्स प्रोजेक्ट टीम फोकस, जिससे कि हमारी जो प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट बनाने वाली जो टीम है उसके फोकस को जो इम्प्रूव कर देती है, ठीक है। प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर ए गो या नो गो डिसीजन, यानी कि हमें एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे देती है, यानी कि प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है। अगर हमें उससे कुछ फ़ायदा देखा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई ए वैलिड रीजन टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट, और कोई ना कोई एक वैलिड रीजन भी हमें प्राप्त होगा, उसी के द्वारा हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस एरर एंड एड्स इन ट्रबल शूटिंग देम, इनहेंस द सक्सेस रेट बाय इवेल्यूएटिंग मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है।
तो इसमें कुछ इरर्स वगैरह होती हैं, इरर्स वगैरह आ जाते हैं, तो इरर्स वगैरह को इन्हेंस करने के लिए भी इसमें कैपेबिलिटी हमें चेक करने को मिल जाती है। और इसमें हम जो फ्यूचर में अगर उसमें कोई दिक्कत वगैरह आए तो उसके सक्सेस रेट को इवेल्यूएट करने की मल्टीपल पैरामीटर हमें शो हो जाते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ही, ठीक है। यानी फ्यूचर में अगर कोई इरर वगैरह आए तो उसे हम कैसे इवेल्यूएट कर पाएंगे, उसे कैसे हम मॉडिफाई वगैरह कर पाएंगे, तो उसी के सक्सेस रेट इस समय यहाँ पर शो हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।